हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। मॉर्निंग का टाइम है और सुबह के बज रहे हैं 9:15। मेहा स्कूल चली गई थी, उसके बाद मैं नहा भी ली और अभी मैं नहा के आई हूँ किचन में। तो उससे पहले मैंने सोचा कि आपको दिखाती हूँ बाहर का सुहाना सा मौसम। बारिश आए नहीं आए, लेकिन फ़िलहाल मौसम काफ़ी अच्छा चल रहा है। किचन में आते ही थोड़ी सी मैंने किचन की स्लैब ठीक करी है, क्योंकि मेहा स्कूल गई थी तो मैंने उसके लिए जब लंच प्रिपेयर किया था ना, तो थोड़ी सी आगे पीछे हो गई थी मैस। मेहाई के लंच में आज बना था प्याज का पराठा, तो मेहाई के पापा ने देख लिया तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए भी प्याज का पराठा बनाओ, क्योंकि मैं मेहाई को मोस्टली इसी तरह के पराठे, क्योंकि वो सब्ज़ी खाती नहीं है, मतलब स्कूल में नहीं लेके जाती सब्ज़ी, उसे पसंद नहीं है स्कूल में सब्ज़ी लेके जाना। घर पे उसे लगता है कि अगर मिर्ची वगैरह तेज होगी तो पानी पी लेंगे या फिर दही खा लेंगे कुछ भी, तो स्कूल में फिर उसको थोड़ा यूँ लगता है कि मुझे सब्ज़ी नहीं लेके जानी है। तो फिर मैंने उसको, मैं मोस्टली पराठे देती हूँ किसी भी चीज़ के, तो उसके पापा ने देख लिया तो उनका मुझे भी आज पराठे खाने और प्याज के ही खाने हैं। तो फिर मैं यहाँ पर प्याज के पराठे की तैयारी करने लग गई थी उनके लिए कि ठीक है चलो, तो वो अभी रेडी हो रहे हैं। और ये थोड़े से मखाने मैंने मिहाई के लिए फ्राई किए थे, तो थोड़े से एक्स्ट्रा कर लिए थे कि वो स्कूल से आके खा लेगी, क्योंकि उसको अच्छे लगते हैं मखाने। और उसके बाद में फिर मैं लग गई थी आटा लगाने के लिए, क्योंकि मिहाई के पापा कोई टाइम फिक्स नहीं है वॉशरूम में जाने के बाद में। आप यूँ सोचो कि उनको टाइम लगेगा, मैं आराम से कर लेती हूँ तो जल्दी आ जाएंगे, और अगर आप लगेगा कि जल्द जल्दी करूं, तो कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं जल्दी से कर भी लेती हूं कि आ जाएंगे, फिर मुझे बैठ के उनका वेट करना पड़ता है कि वो आएँ। और अभी आपने ना लास्ट वीडियो देखा होगा ना मेरा, तो उसमें मतलब आपने रूटीन देखा कि मैं पहले इन सब को रवाना करके उसके बाद में फिर मैं घर का काम करती हूँ, तो उसमें क्या फिर मुझे मंदिर जाने में बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, तो फिर मैंने थोड़ा सा और रूटीन मेरा चेंज किया। मतलब यही है ना, देखो आप डेली कुछ ना कुछ सीखते हो, तो मैं हर रूटीन से कि ठीक है आज ये सही नहीं हुआ तो अगले दिन उसको आप चेंज कर लो, यही फिर लाइफ में चेंजेस आते हैं और इन्हीं से फिर लाइफ बेटर बनती है, इसी से आपका एक रूटीन सेट होता है। तो जैसे मैंने जो लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा ना कि मैं भेजने के बाद में मैंने साफ़ सफाई वगैरह करी और उसके बाद में मैं मंदिर गई, तो मुझे मंदिर जाने में लेट हो गया था, मैंने बहुत जल्दी पूजा करी थी, तो इस वजह से मैंने क्या किया कि अभी थोड़ा सा ऐसा किया कि जब तक मेरे पास 2-5 मिनट भी है ना, तो मैंने मिहाई के पापा का बाहर आने का वेट नहीं किया, मैंने कहा वो बाहर आएंगे उससे पहले पहले जितना मैं डस्टिंग वगैरह कर सकती हूँ कर लूँ, क्योंकि फिर उनके जाने के बाद मेरा डस्टिंग का काम नहीं रहेगा, फिर मुझे सिर्फ झाड़ू पोछे का रहेगा। जब डस्टिंग करी हुई होती है ना तो घर ऑलमोस्ट आधा साफ लगता है, फिर लगता है कि ठीक है फर्श साफ़ करना है, तो एक एनर्जी सी रहती है। और अगर सबके घर से जाने के बाद में आपको मैस्ड पूरा इधर उधर सामान फैला हुआ पूरा घर ऐसे ही दिखता है ना, तो फिर आपको लगता है कि नहीं रुको थोड़ी देर वेट करते हैं फिर आराम से करेंगे, क्योंकि बहुत सारा काम है। तो इसलिए फिर मैंने ये थोड़ा सा चेंजेस किया, अगर मेरे पास 2-5 मिनट भी है ना, भले इतना ही टाइम है कि मैं एक चादर ही ठीक कर पा रही हूँ, तो मैं पहले वो कर लेती हूँ कि ठीक है जब तक मेहे के पापा बाहर आते हैं, क्योंकि सब्ज़ी बन गई आटा लग गया, अब उनके लिए मुझे रोटियां सीखनी है, तो वो आएंगे उसके बाद ही होगा, उससे पहले मैं किचन का भी कुछ नहीं कर सकती, भले ही बर्तन भले ही धुलूं मैं। तो मैंने एक बार बर्तनों वगैरह का इतना नहीं किया, क्योंकि बर्तन पड़े रहेंगे बाद में भी धुल जाएंगे, लेकिन जो साफ़ सफाई है वो पहले ज़रूरी है। तो ये देखो कि मैं उनका वेट कर रही थी कि एक चीज़ ज़्यादा नहीं ना, तो एक रूम साफ़ कर लेती हूँ, एक टेबल साफ़ कर लेती हूँ, एक बेड साफ़ कर लेती हूँ, ऐसे करते करते है ना मैंने पूरे घर की जो मेन डस्टिंग थी ना वो सारी हो गई थी, और जब तक मेहे के पापा बाहर आए नहीं थे। तो ये मेरे लिए आज के रूटीन का ना सबसे प्लस पॉइंट था। अब जैसे ये जाएंगे ना तो मुझे सिर्फ झाड़ू पोछे का ही काम होगा मेन, फिर मुझे डस्टिंग वगैरह का नहीं है, क्योंकि डस्टिंग और जो सामान जगह पे रखने का काम है वो सब मैं ऑलरेडी इनके जाने से पहले कर चुकी हूँ। तो अगर मैं 2-5 मिनट बैठ भी जाती हूँ ना तो टाइम इतना ज़्यादा नहीं जाएगा। तो देखो मेरा एक दो रूम, दोनों जो रूम थे वो हो गए, पहले मैंने बेडरूम किया, फिर मैंने जो मेरा दूसरा रूम है उसको किया। मैंने सोचा कि चलो अभी भी टाइम है तो बाहर का जो दीवान है उसको भी कर देते हैं, नीचे का गद्दा भी कर देते हैं, ऐसे करते करते सब कुछ हो गया, फिर भी मेरे पास टाइम बच गया था, तो मैंने सोचा चलो अब तो चलो डाइनिंग भी कर ही लो, वो हो गया। उसके बाद में आ गए ये, तो मैं इनके लिए पराठे बनाने लग गई और इनको बहुत अच्छे लगे। हालांकि इनको मैं कुछ भी बना के देती हूँ ना, अच्छा बनाओ नहीं बनाओ इनको अच्छे लगते हैं। और थोड़ी सी ना रात की दाल भी बची हुई थी तो मैंने वो भी रख दी थी, इनको अच्छा लगता है, साथ में अगर कोई भी ठंडी सब्ज़ी वगैरह होती है ना बहुत अच्छे से खा लेते हैं।
कैसा है? जो कूलर चल रहा है उसमें भी पसीने आ रहे हैं, पसीने दिखाना। ये अगर एसी में भी बैठ के खाना खाएंगे ना तो भी ऐसे ही पसीने आते हैं। इनको एक टॉवल साथ में रखना ही पड़ता है खाना खाते टाइम पहुंचने के लिए फेस। तो अब भी मैं बना रही हूँ मिहाई का पराठा। इनके बन चुके हैं, खाना खा चुके हैं, उसके बाद में मैंने बनाया था मिहाई का पराठा क्योंकि वो स्कूल से खा लेगी। और ये देखो मैं आपको सामने दिखा रही हूँ, चिड़चिड़चिड़िया ये है ना, मतलब बहुत अच्छा लगता है जब ये यहाँ पे बैठी रहती है ना। तो मैं जैसे ही रोटी लेके आती हूँ ना ऐसे गायब होती है। 5-6 तरह की चिड़ियाँ हैं, गिलहरी है, तो मतलब अच्छा लगता है। आवाज़ सारे दिन चिड़चिड़ चिड़चिड़ आवाज़ करती रहती है ना, बहुत अच्छा लगता है। बाय। अब सब चले गए हैं, अब मैं सुकून से बैठी हूँ और इतनी खुश हो रही हूँ कि चलो बढ़िया, डस्टिंग नहीं करनी क्योंकि डस्टिंग मैंने पहले ही कर दी। अब देखो डस्टिंग की भी है ना तो भी घर इतना साफ साफ लग रहा है, लेकिन आज मैंने ना झाड़ू पोछा वापस आके किया। मैंने सोचा पहले मंदिर चलते हैं और आज आपको दिखाती हूँ मंदिर। मतलब गली से निकलते ही ये सामने मंदिर है और ये शिव मंदिर ही है, लेकिन यहाँ पर भीड़ सच में इतनी भीड़ होती है ना, किसी भी टाइम आप जाओ। मतलब मैं सिर्फ फॉर्मेलिटी से करके आती हूँ, इस बार मैंने बिल्कुल भी ढंग से पूजा नहीं करी है। तो बस फिर मैं आ गई थी घर और घर आके किचन में लग गई थी। सबसे पहले मैंने बर्तन ही धोए क्योंकि मुझे लगा कि बाद में बर्तनों में आलस आने लग जाएगा। तो ऑलमोस्ट साफ़ है, फिर यूँ लगेगा कि नहीं किचन सबसे ज़्यादा गंदी है तो इसलिए। और ये देखो मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ चिड़िया। तो ये मैंने दोबारा रोटी डाली है, वो वाली ख़त्म हो गई थी। यहाँ पे ना मतलब अलग अलग तरह की आती हैं और जो चिड़ियाँ थी ना जो पहले आती थी वो मतलब अब दिखती नहीं है, है ना, वो भी यहाँ पे आती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने ना किचन मेरी क्लीन हो गई थी तो फिर साथ के साथ मैंने सोचा चलो फ्रिज भी क्लीन कर देते हैं क्योंकि यहाँ सामने ही दिखता रहता है ना, इस वजह से मतलब किचन गंदी होती है यहाँ क्योंकि खिड़की वगैरह खुली रहती है तो डस्ट जम जाती है। तो मैं एक 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 चीज़ करते रहती हूँ, कभी फ्रिज कर दिया, कभी ओवन कर दिया, कभी रैक कर दी, तो ऐसे करके कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। एक चीज़ एक बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेती, एक एक करके कोई ना कोई चीज़ क्लीन करती रहती हूँ और बस इनको देखती रहती हूँ मैं सारे दिन। ये जब भी मुझे थोड़ी सी इकट्ठी दिखती है ना मैं इनको शूट करने लग जाती हूँ। और मैं इन्हीं चिड़ियों की बात कर रही थी, ये जो छोटी छोटी चिड़ियाँ ना ये आजकल देखने को मिलती नहीं है, बहुत कम देखने को मिलती है। मैं तो गांव जाती हूँ ना तब बस वहीं देखने को मिलती है और या फिर यहां। और ये एकदम से नहीं आई, जब से आई हूँ ना तब से मैं यहाँ पे ये रोज़ पानी और ये रोटी डाल रही हूँ ना तब जाके अब मुझे ये दिखने लगी हैं। और ये जब मैं नहीं भी डालती ना, कि कई बार ऐसा होता है बारिश आ रही होती है मैं नहीं डाली है तो भी जैसे ही बारिश रुकती है ना वैसे ही ची ची आके बैठ के ची 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 करने लग जाती है कि जैसे अलार्म दे रही हो ना कि अब जल्दी से ले आओ, बहुत देर हो गई, आज खाए रोटी आई नहीं ऐसे। और मैं सिर्फ रोटी डालती हूँ इनको। अभी मम्मी बोल रही थी कि मैं थोड़ा सा बाजरा है ना वो भिजवाऊँगी तो तू वो भी डालने लग जाना चिड़िया को। तो मैंने कहा ठीक है डाल दूँगी, अभी तो मैं रोटी डाल देती हूँ क्योंकि रोटी क्या जैसे बाजरा है तो फिर वो चिड़िया ही खा पाती है और रोटी है ना सब खा लेते हैं, गिलहरी भी खा लेती है और भी देखो कई आते हैं तो वो खा लेती हैं। तो ये बातों में मेरा घर पूरा क्लीन हो गया है और जब घर अच्छे से साफ सुथरा क्लीन हो जाता है ना तो एक अलग ही सुकून शांति सी मिलती है। और सही बताऊँ ना यहाँ पे मुझे ना गांव वाली सी फीलिंग आती है, बाहर चिड़ियाँ चहचह करती रहती है और पीछे खेत सा लगता है तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे ना बाहर थोड़ा सा आज तो गर्मी नहीं है, बाहर का भी मैंने अच्छे से धो दिया था, साफ कर दिया था। मिट्टी की जो खुशबू आती है ना वो बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे ना मैं आपको यही बता रही हूँ कि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और सफाई होने के बाद में बाहर जब ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है ना तो बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन यहाँ पे मेरी कुछ वॉइस में प्रॉब्लम हो गई थी तो आगे पीछे चलती थी ऑडियो, तो फिर मैंने म्यूट कर दिया कि आप लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आएगा। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि बाहर से हवा आती है ना तो बहुत अच्छी लगती है। तो जी घर का काम सारा होने के बाद में अब देखो मुझे खाना तो खाना नहीं है, तो पूरा टाइम जब तक मिहाई आती है, इनफैक्ट उसके आने के बाद भी मेरे पास फुल टाइम है। मैं अगर कुछ भी पर्सनली करना चाहूँ या कोई और काम करना चाहूँ तो वो मैं कर सकती हूँ। और अभी बजे हैं 12:30 के आसपास बजे हैं तो अब मैं करूँगी सबसे पहले तो मेहंदी लगाऊँगी। मतलब कल मैंने मेहंदी लगाई थी थोड़ा सा इंडिगो पाउडर मिला के, और आज मैं सिर्फ इंडिगो पाउडर लगाऊँगी आगे आगे के बालों में। उसके अलावा मैं ना आपको दिखाती हूँ कि मम्मी मेरे लिए ना जोड़ लेके आए थे लहरिए का, सावन चल रहा है ना इसलिए। और ये जो मैंने पहन रखा है ना ये मैंने लास्ट ईयर लिया था,
तो फिर इस बार मैंने फिर मम्मी को कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहनते नहीं, सिर्फ सावन में ही पहनते और मैं बाहर कहीं जाती नहीं हूँ, तो मैंने कहा कुछ ऐसा ला के देना जो सदा बाहर हो, जैसे मैंने जो पहन रखा है वो भी आप सदा बाहर है, और ये वाला जो मम्मी लेकर आए ना ये तो मतलब कई पीढ़ियों से चल रहा है, मतलब मम्मी औरों के टाइम भी यही चलता था, अब भी यही, तो इसका ऑरेंज कलर है। भाभी सा के लिए भी मम्मी सेम ऐसा ही लेके आए एज इट इज़, और मम्मी मेरे को काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं इसको सिल्ले सिल्ले, बहुत दिन हो गए आए हुए, मैं है के पापा आए थे ना तब वो लेकर आए थे, इसकी ओढ़नी है ना मम्मी के पास ही है और मेरे पास तो बस यही है, तो मुझे इसको सिलना है। अब देखती हूँ मैं कब सिलती हूँ, एक बार सिलाई स्टार्ट कर दूँगी ना फिर तो जल्दी कर लूँगी, लेकिन अभी जब तक स्टार्ट नहीं होती ना तब तक आलस आता है, टाइम लगा लिया, आगे आगे लगाया, मतलब अंदर लगाया फिर थोड़ा सा बच गया था, ऊपर ऊपर लगा लिया, पीछे नहीं लगाया, सिर्फ आगे के बालों में लगाया, और अभी टाइम हो गया है 2 बज रहे हैं, मतलब 2:15 होने वाले हैं। मैं मेहई का वेट कर रही हूँ कि मेहई आ जाए, उसके बाद में फिर मैं कटिंग स्टार्ट करूँगी, बीच में मम्मी का कॉल आ गया था तो मम्मी से बातें करने लग गई, तो बस मैं मेहई का ही वेट कर रही हूँ कि मेहई आ जाए, फिर मैं फ्री, मैं अपने काम में लग जाऊँगी।